व्यापारियों को जीएसटी से संबंधित पेश आने वाली परेशानियों के समाधान के लिए सोलन में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें हर वर्ग के व्यापारियों सहित चार्टर्ड अकाउंटेंट और संबंधित अन्य लोगों ने भाग लिया। कार्यशाला में आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों ने जीएसटी की बारीकियों पर चर्चा की और रिटर्न भरने में पेश आ रही परेशानियों के सरलीकरण पर प्रकाश डाला। व्यापारियों ने अधिकारियों के समक्ष रिटर्न भरने में आ रही परेशानियों और समस्याएं प्रस्तुत की, जिसका समाधान आबकारी विभाग द्वारा देने का प्रयास किया गया। कार्यशाला में शिमला से विशेष रूप से आई टीम ने सभी को नई नोटिफिकेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट इनपुट क्रेडिट्स के बारे में विस्तार से बताया गया। जीएसटी को लेकर व्यापारी वर्ग का कहना था कि उन्हें अभी तक जीएसटी के बारे में पता नहीं चल पाया है। उन्हें जिस तरह से अकाउंट या सीए बता रहे हैं, वो लोग उसी प्रकार जीएसटी संबंधित कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी परेशानियां पेश आ रही है। उन्होंने कहा कि दिसंबर महीने में रिटर्न भरनी है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। जो जीएसटी है जी, इसके बारे में व्यापारी को तो कुछ मालूम नहीं है जी। कार्यशालाएं लग रही हैं जी, इसके अंदर वो कुछ कईयों को बैठेगी समझ में, कईयों को नहीं बैठेगी, क्योंकि जितने भी व्यापारी हैं 98% जो है वो अपने अकाउंटेंट के ऊपर डिपेंड हैं। अब अकाउंटेंट से पूछते हैं, वो कहते हैं हमारे पास अभी समय नहीं है इतना कि हम आपको क्लियरिफाइंग, बस आप इतने पैसे डाल दो जी, आपकी इतनी रिटर्न फाइल होगी है जी। अभी तो व्यापारियों को ही पता नहीं कि हमारे रिटर्न जो हमारे जाने हैं, क्योंकि देखा जाए तो दिसंबर महीने में जो है बहुत सी कंपलसरी रिटर्न भरी जाएगी। GSTR 1 है, Trans 1 है, कई तरह की डिक्लेरेशन इनको भरने, कंपोजिशन जो डीलर है उनको भी रिटर्न फाइल करनी है। तो अभी व्यापारियों को कोई जानकारी इस बारे में है नहीं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी से इन लोगों को लाभ होगा। जो हमारा छोटा छोटा व्यापारी वर्ग है, उनको अभी तक जीएसटी के बारे में बिल्कुल क्लियर नहीं है कि हमें जीएसटी के अंदर जो डिफरेंट स्कीम है, कंपोजिशन स्कीम है या और स्कीम्स हैं, हमें किस स्कीम के अंदर में अपने आप को रजिस्टर करना चाहिए। जब भी कोई टैक्स प्रणाली आती है तो व्यापारियों में उसको लेकर अवेयरनेस बहुत कम होती है स्टार्टिंग के अंदर में। अगर अवेयरनेस ना हो तो उनको ये नहीं पता चलता है कि हमें टैक्स के कौन से स्लैब में जाएं, किस में नहीं जाएं। वहीं आबकारी एवं कराधान के सहायक अधिकारी रवि सूद ने कहा कि एक दिवसीय जीएसटी कार्यशाला का मकसद व्यापारियों को आ रही दिक्कतों का सामना करना है। उन्होंने कहा कि व्यापारी या सीए किसी को भी अगर कोई परेशानी हो तो वो विभाग के अधिकारियों से मशवरा ले सकता है। आज हमने यहाँ पे कॉन्फ्रेंस जो रखी थी उसमें हमने डीलर्स को, सभी व्यापारियों को बुलाया था, जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, रिटेलर्स भी हैं और होटलियर्स भी हैं। इनको हमने बताया है कि किस तरीके से अगर इनको जीएसटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे इन्होंने सॉर्ट आउट करना है, और इसके लिए हमने अर्नेस्ट एंड यंग करके कंसल्टेंट्स हैं उनको भी आज बुलाया था, जिन्होंने इनको सारा एक्सप्लेन किया है, और जो भी नई नोटिफिकेशन आ रही हैं, सर्कुलर्स आ रहे हैं, वो भी इनको आज एक्सप्लेन किए गए हैं। कोई रेट ऑफ टैक्सेशन में कोई चेंजेस हैं वो भी आज इनको एक्सप्लेन किए हैं हमने। इससे व्यापारियों को जो कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग, कईयों को रेट ऑफ टैक्सेस में कन्फ्यूजन है, कईयों को इनपुट टैक्स क्रेडिट में कैसे लेना है वो कन्फ्यूजन है, कईयों को रिटर्न फाइल करने में कन्फ्यूजन है, वो क्लेरिफिकेशन हो गई है। रिपोर्ट के चैनल आप खुद ही देख रहे होंगे, प्रोफेशनल हैं तो।